बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 3D केमिस्ट्री। होप सो यू गाइस ऑल आर गुड। तो आ जाते हैं जी टॉपिक की तरफ। आज हम जी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन में फ्रीडेक्राफ्ट अल्कलेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, फ्रीडेक्राफ्ट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली फ्रीडेक्राफ्ट रिएक्शंस टू टाइप्स के होते हैं, अल्कलेशन और एसाइलेशन। अल्कलेशन में आप अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं बेंजीन रिंग में इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड लाइक AlCl3 या FeCl3 आप बात कर लें। ठीक है, इसकी मौजूदगी में या FeCl3 की मौजूदगी में आप अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन कराते हैं बेंजीन में, वो अल्काइलेशन। ठीक है, एसाइलेशन में आप सी डबल बॉन्ड हो एसाइल ग्रुप, ठीक है, सी डबल बॉन्ड हो CH3 या आप R कह लें, R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो इसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं रिंग पे। ठीक है, तो वो होती है फ्रीडेक्राफ्ट एसाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट लेविस एसिड AlCl3 या FeCl3 या AlBO3 या FeBO3। ठीक है, तो ये थी जी फ्रीडेक्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन। बेसिकली फ्रीडेक्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होती है, उसका मैकेनिज्म कैसे होता है उसको देखें। तो बेंजीन रिंग होती है सिंपल, आपके पास जर्नल रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड आप लेते हैं और AlCl3 AlX3 या AlBO3 आप कह लें, तो उसके साथ इसका कैटलिस्ट यूज करते हैं और इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके पास अल्काइल ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है प्लस आपके पास HCl का या HBr का रिमूवल हो जाता है। ठीक है, तो ये जर्नल रिएक्शन था, मैकेनिज्म इसका क्या होगा, आइए मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म की तरफ आए, एज इट इज तो आपको पता है यहाँ R पार्शियल पॉजिटिव एक्ट कर रहा है, ये पार्शियल नेगेटिव एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब इस पर अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है ना अलमोनियम, तो AlCl4 नेगेटिव और R पॉजिटिव आपके पास बाहर चला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। तो अब देखें तो ये इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होगी, अब अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल होना होता है, तो ये रिंग इस पर अटैक करती है लाइक दिस। पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल हमने ऐड किया, इसका मतलब है अब ये वीक इलेक्ट्रोफाइल निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो रही है ना, तो अब इसको निकालने के लिए हम AlCl4 नेगेटिव वही यूज करेंगे जो न्यूक्लियोफाइल उधर बना था। ठीक है, तो ये इस पर अटैक कर देगा लाइक ये रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो रहा है। ठीक है, बेसिकली तो आपके पास जब ये अटैक होगा तो एंड पे जो रिजॉल्व होगा AlCl3 कैटलिस्ट रिजॉल्व हो जाएगा, HCl रिमूवल हो जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी उस पर देखें तो अल्काइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, बेंजीन रिंग पे R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, लाइक CH3 CH2 कोई भी अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये इथाइल ग्रुप हो सकता है, प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, ब्यूटाइल, आप ये रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं दिस रिएक्शन के जरिए। ठीक है, आइए अब इसको बेसिकली देखें, एग्जाम्पल की तरफ देखें तो लाइक आप यहाँ सपोज कर लें, इसकी एग्जाम्पल हम करते हैं। ठीक है, लाइक ये आपके पास एक एग्जाम्पल शो हो रही है। ठीक है, इसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप कराना है। ठीक है, बेंजीन रिंग में। ठीक है, ये आपकी बेंजीन रिंग है जी। अब बेंजीन रिंग पे देखें तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप कैसे इंट्रोड्यूस होगा, तो ये फ्रीडेक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एक अल्काइल हैलाइड ले लिया। ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एक अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, AlCl3 की मौजूदगी में जब जर्नल रिएक्शन देखें तो ये इस तरह से रिंग पे आएगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या होगा, सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगी, तो CH3 कार्बन के साथ दो क्लो मिथाइल ग्रुप और एक क्लोरो ग्रुप। ठीक है, तो AlCl3 के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास CH3 आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी कार्बोकेटन आपके पास जनरेट हो जाएगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब रिंग ने इस पे अटैक करना है लाइक ये इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक कर देगी। ठीक है, यूं CH3 पॉजिटिव। ठीक है, तो आपके पास ये रिंग पे आ गया जी आइसोप्रोपाइल ग्रुप और पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और लास्ट स्टेप क्या होगा, AlCl4 नेगेटिव का आपने अब न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, ये हाइड्रोजन अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे वीक पे अटैक करके इस हाइड्रोजन को फर्दर यहाँ बॉन्ड शिफ्ट कर देगा और ये हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेगा। ठीक है, तो आपके पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, इसको हम क्यूमीन भी बोलते हैं, प्लस AlCl3 निकल जाएगा और HCl आपका रिमूवल हो जाएगा। सिंपल सा मैकेनिज्म है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कैसे, जब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ने AlCl3 लेविस एसिड कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन किया तो आपके पास कार्बोकेटायन जनरेट हो गया, जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ अब AlCl4 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होना होता है लाइक ये CH3 सी पॉजिटिव, अब ये अटैक होगा तो ये आपके पास डबल रिंग बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो नेक्स्ट लास्ट स्टेप में AlCl4 नेगेटिव प्रोटॉन को ले लेगा, बिकॉज जो प्रोटॉन वीक है वो ले निकल जाएगा, लेविस वो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वीक वो निकल जाता है, बिकॉज हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई है ना, तो इस तरह से हम
आइसोप्रोपाइल ग्रुप बेंजीन रिंग पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी फ्रीडोग्राफ एल्केलेशन की एग्जांपल। होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेरीज हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।